मुंबई से सटे बोरीवली पूर्व इलाके से पूर्व नगर सेवक विद्यार्थी सिंह द्वारा छतरी वाटा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित बीजेपी विधायक मनीषा ताई चौधरी की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, जहां हजारों की संख्या में उपस्थित बुजुर्ग महिलाएं और पुरुषों के वार्ड नंबर 16 के अध्यक्ष के हाथों सभी उपस्थित स्थानीय जनता में छतरी वितरण की गई। वहीं आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं जब इस तरह के भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया हो। विद्यार्थी सिंह के द्वारा कई सालों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजन जरूर मंदों के लिए करते आ रहे हैं। से मेरे पापा को ये काम करते हुए देख रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये प्लेटफॉर्म सेट था कि पब्लिक को गैदरिंग कैसा करने के लिए पूरा सेटअप मेरे पापा विद्यार्थी सिंह का था। उन्हें पूरा सेटअप करके पहले वो बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड लगाने के बाद वो 3 दिन तक फॉर्म देते हैं, बोलने के लिए 3 दिन देते हैं, पर वो आज भी किसी को अगर चाहिए तो फॉर्म देंगे और अभी छतरी भी देंगे। तो हमारी व्यवस्था वैसी रेडी रहती है, हमने अभी तक जितना छतरी बांटा है उसमें हम लोग और छतरी बांट सकते हैं, उतनी उनकी व्यवस्था रहती है। सेवा
मैनेजमेंट में हमारी अपनी टीम रहती है, सबको अपना अपना रोल मालूम रहता है कि किसको क्या करना है। जैसे मैं अध्यक्ष होने के बावजूद भी आप देखे होंगे कि मैं खुद उधर फॉर्म पढ़ रहा था। पब्लिक फिगर्स और बड़े नेताओं को विद्यार्थी सिंह जी संभालते हैं और जो बाजू के वाले मैं और मेरी टीम हम लोग सब मिल के संभाल लेते हैं, तो ईजी हो जाता है। और हर साल कुछ ना कुछ हम लोग अपग्रेड करते हैं कि गर्दी होवे ना, धक्का मुक्की होवे ना, और आराम से काम हो जाए। अच्छी तरह से जानते हैं, हर साल वो देते छाता लेते, कुछ तकलीफ नहीं है। टाइम उसके बाजू में कटोर नंबर 3 में मैं रहती है, वो 2 नंबर में उसका ऑफिस है ना, उसके बाजू में हम लोग रहते हैं। तो मतलब सभी के सुख दुख में काम आते हैं? हाँ आता है, सब चंदा बांध के दिया है, सब कुछ किया है। पहला भी हुआ था सब कुछ करते हैं वो, उसने नोटबुक रिटर्न किया, बाद में वो अनाज भी रिटर्न करते हैं, बाद में छाता भी रिटर्न करते हैं, अच्छा काम करते हैं।